हेलो व्यूअर्स, आज हम टाटा सेटिस 18 BS4 की एडब्लू डोजिंग टेस्ट करेंगे जालटेस्ट V9 से। सबसे पहले हम जालटेस्ट को व्हीकल से कनेक्ट करते हैं। डोजिंग के लिए हम सबसे पहले चलेंगे सिस्टम चेक्स, एड ब्लू वाले ऑप्शन, फिर एड ब्लू पंप। उसके बाद हम अपने 6 डिजिट के एक्सपर्ट मोड कोड को एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस इसकी देखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है जो नोजल, एड ब्लू जो स्प्रे करता है नोजल, उसको आपको बाहर निकाल के एक बिकर में डालनी पड़ती है। उसके बाद आपकी गाड़ी आपको आइडल में रखनी होती है स्टार्ट करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे ही आइडियल आपकी हो जाएगी गाड़ी और इनिशियल कंडीशन मैच करेगी तो हम प्रोसीड करेंगे आगे। एड ब्लू प्रेशर जो नीचे आप देख रहे हैं उसको मिनिमम 6 बार होनी चाहिए ताकि आपका वो स्टार्ट हो डोजिंग प्रोसेस। और इस तरीके से बीकर में आपको नोजल रखनी पड़ती है ताकि जो एड ब्लू निकले वो कलेक्ट हो। जैसे ही 6 बार एड ब्लू प्रेशर आपकी क्लिक होगी उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 6 मिनट्स लगते हैं। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। छह मिनट होते ही आपका प्रोसेस जो एक्चुएशन है ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है। जैसे ही एक्चुएशन फिनिश होती है उसके बाद हमें यह देखना है कि जो बीकर में एड ब्लू बाहर आई है वो कितनी मेजर में आई है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90 ml है, इसका मतलब है आपका जो अपना SCR सिस्टम है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। अगर इससे ज्यादा या कम हो तो आपका जो SCR सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत है जो आपको चेक करके रिजॉल्व करनी पड़ती है।